खबर की दुनिया में खुश आमदीद। सबसे पहले दुनिया हेडलाइन। भारतीय फौज की रावलाकोट में बटल सेक्टर में बिला इश्तआल फायरिंग, दो अफराद जख्मी। इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में बायोमेट्रिक निजाम के तहत बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान। वजीर दाखिला कहते हैं दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए फौज से मिलकर मुश्तरका वर्किंग पेपर तैयार करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए हैं कि महज वजीर खजाना के समझने से टैक्स नहीं लग सकता, जीएसटी नाफिज करने का इख्तियार सदर ममलिकत के पास भी नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी ने बजट की मंजूरी तक जीएसटी बढ़ाने के नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की सिफारिश कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने स्मगल गाड़ियों की टैक्स एमनेस्टी स्कीम को गैर कानूनी करार दे दिया। रजिस्टर्ड होने वाली 50,000 से जायद गाड़ियां कब्जे में लेकर नीलाम करने का हुक्म। बिजली की कीमत में 1.12 रुपये फी यूनिट इजाफा, मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट दिसंबर में वसूल की जाएगी। फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा रियाज का मुलाजिम पुलिस हिरासत में जां बहक, लाश मिल गई, बुरसा का एहतजाज। राजनपुर के जुकात ऑफिस में तनख्वाह के तनाजे पर दो अफराद कत्ल। और साबिक बरतानवी फुटबॉलर डेविड बेकम का चीन में बच्चों के साथ खेल, खूब दाद वसूल की। अभी आपने देखी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट दुनिया न्यूज़.com।